मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे गुरु नानक लाइब्रेरी जलंधर में कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो कि इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी के साथ रिलेटेड है। ये जो सोसाइटी है ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और पंजाब में ये पहली बार ये इसका गठन हुआ है और इसके डॉक्टर जसपाल जो कि होशियारपुर से HOD रिटायर्ड हुए हैं फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से, वो इनके प्रेसिडेंट हैं। और आज जितने भी यहाँ पर आर्टिस्ट 10-12 आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं ये आज एक तो ये इंट्रोडक्शन होएगी सभी आर्टिस्टों की एक हिस्सा और आगे वाला जो फ्यूचर है इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी का वो भी आज यहाँ पर तय किया जाएगा। तो हम होशियारपुर एरिए का जो वाटर कलर है उसको आगे और आगे लेके जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सो जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किसी न किसी ढंग से होशियारपुर के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ होशियारपुर के साथ। सो जैसे ही आगे ये कैंप पड़ेगा मैं आपको हर आर्टिस्ट के साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसके बाद उसका उनके जो काम है वो दिखाऊंगा और लास्ट में उनकी जो बड़ी हुई पेंटिंग्स हैं वो आपके सामने दिखाऊंगा। अज का वाटर कलर का कैंप स्टार्ट हो चुका है। इहदे विच तकरीबन 8 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे के सारे आर्टिस्ट वाटर कलर के विच बहुत ही माहिर हैं। जसपाल सिंह, इस वक्त असी एक पानी के रंगा नाल यानी कि वाटर कलर का एक कैंप जोड़ा है उसनू इतने स्टार्ट किया है। असी लगभग पहले सुबह 8 आर्टिस्ट सके, 3 आर्टिस्ट होर आ गए साढ़े नाल, एक अच्छा मतलब माहौल है और ये साडा मकसद है कि एक इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी है, असी उस वाटर कलर सोसाइटी के नाल अपने आप को जोड़ के इस माध्यम को जेड़ा कि बहुता वरतों में इस स्टेट में नहीं सी, असी उसनू मुड़ सुरजीत करने के उपराले हेठ इकट्ठे हुए हैं। साडा मकसद है कि असी हौली हौली इस तरह के होर कैंप करिए, सारे मिल के असी कैंप करते हैं। साडे कोल फिलहाल इस तरह की कोई फाइनैंशियल नहीं है मगर साडा मकसद जो है वह साडे नाल है। मकसद नू सामने रख के साडे कोल इक्को ही आइडिया है कि असी वाटर कलर करना वर्कशॉप करांगे, डेमोंस्ट्रेशन भी रखांगे इंडिविजुअल आर्टिस्ट दी, उस तो बाद उन्हां दी एग्जीबिशन ते कैटालॉगिंग, तां कि जो साडे तो पहला आर्टिस्ट इस माध्यम विच काम करदे सी साडे टीचर सी एल शर्मा जी, पंडित तीर्थ राम जी और अपना अजीत सिंह जब्बल जी और इस तो बाद मिस्टर भारती ने, मिस्टर भाटिया ने, साडे वल्लों वो बंदे हैगे आ जिन्होंने इस माध्यम च पहला हर पक्षों हाथ अजमाया है, काम किया है। साडा मकसद है कि असी सारे एक मंच ते इकट्ठे हो के इस माध्यम नू बड़े वधिया ढंग दे नाल मुड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म दईए जिहदे नाल कि माध्यम जिहड़ा है वड्डे पद्धर दे उत्ते पहचान दे विच जिहड़ा थोड़ा पिछे है वो अगे आवे और सारे लोग जेड़े कि फाइन आर्ट नाल जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरां दे विच उहदे कैंप होणगे ते ऑटोमैटिकली मैनू लगता है कि सुभाविक रूप नाल सारे लोग उत्थों जिहड़े काम करने दे शौकीन ने जां इस माध्यम नू प्यार करदे ओ जरूर काम करनगे। सो आई होप सो इट्स आवर फस्ट जेस्चर एंड दैट विल कंप्लीटेड विद द
ਦੇ ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਅੱਜ ਨਾਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਕੀ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੇ ਹਮ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀ ਹੈ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ यहाँ पर जो मैं अभी ये जो पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ इसमें स्काई के इफ़ेक्ट्स जो है वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स है क्योंकि आजकल जैसे कभी कभी बारिश हो जाती है कभी कभी धूप निकल आती है तो उन इफ़ेक्ट्स को मैं यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। और वाटर कलर की जो मेन उसकी टेक्निक है वो लाइट टू डार्क कलर, पहले हम लाइट कलर लगाते हैं फिर उसके बाद डार्क कलर लगाते हैं। सारे आर्टिस्ट इसी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ मजाक में काम कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ सीरियसली काम कर रहे हैं। सो जैसे ही ये कैंप आगे बढ़ता जाएगा हमारे जो वर्क का जो उसका प्रोसेस है वो भी आपके सामने आता जाएगा। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम रोहित कुमार और हम आज यहाँ जलंधर में स्टेट पंजाब की तरफ से IWS इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए एक आज कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ और हम लोगों ने आज यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश करते हुए एक कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया जो कि सिर्फ और वाटर कलर सोसाइटी के अंडर वाटर कलर आर्टिस्ट को इकट्ठे करके उनकी एक कैंप की ऑर्गेनाइज़ किया। इसके बाद हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर फ्यूचर की क्या प्लानिंग रहेगी। धन्यवाद। जी, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर तो अज इस वाटर कलर वर्कशॉप के बहुत मज़ा आ रहा सानू क्योंकि इतने बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे साढ़े को जो बहुत वधिया कलाकार पहुँचे है तो बहुत अच्छा लग रहा है सानू। इतने इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी वालों वर्कशॉप जी करवाई जा रही बड़ी वधिया लगी है। ये सानू होर उत्साह मिलेगा, होर वधिया वर्क होएगा, होर मेहनत होएगी, होर काम होएगा और ये सारा साडा उपराला जिहड़ा बहुत अगे तक जाएगा तो बहुत तरक्की होगी। थैंक यू। मेरा नाम योगेश, मैं KMB कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं शुरू तो ही इस गल फील करता कि आर्टिस्ट जिहड़ा रोल है सोसाइटी दे विच वो होर ज़्यादा होर वड्डे स्तर दे उपर एक्सप्लोर किया जाए क्योंकि आर्टिस्ट्स खास करके पेंटिंग की गल करें तो बहुत ज़्यादा सानू नहीं इन्नी शलाघा मिलती सरकार वालों भी कोई सानू फंड्स जी मिलते लेकिन इंडियन वाटर कलर सोसाइटी के अंडर ये पहली बार जो उपराला किया गया कि इन्ने आर्टिस्ट इकट्ठे हुए हैं कि दिल खुश हो गया। अज की सुबह जी हैगी संडे जोड़ा है बहुत वधिया बीत रहा वा और इंशाल्लाह वधिया बीतूंगा। बाकी सर ये मीडियम जोड़ा है वाटर कलर लैके किया गया हुशियारपुर यदा इनोवेटर से रहा शुरू तो अज काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट हुशियारपुर के भी होरना जगह के भी नाल जुड़े आ और बहुत अच्छा लग रहा सर, बहुत अच्छा उपराला वा, आर्टिस्ट का रोल होर ज़्यादा डिफाइन होएगा। Myself Uttamprit Singh, I'm from Punjab and I really appreciate this workshop. It's given me an opportunity to work with many senior artists, many watercolorists over here. So I really thank for this workshop. हाँ जी, सारिआं नूं सति श्री अकाल जी। मेरा नाम विनोद अहीर है, मैं जलंधर तो हाँ जी और IWS इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी के नाल जी असीं जुड़े हुए हैं। इतने सारे आर्टिस्ट असी इकट्ठे हुए हैं और बड़े मन्ने परमन्ने आर्टिस्ट इन्हां दे विच वाटर कलर नूं जिन्हां ने अगे बताया वो इत्थे मौजूद है साडे कोल, जिद्दां डॉक्टर जसपाल जी, सर रेशम चंद जी ते होर भी बहुत सारे आर्टिस्ट। सो इन्हां दे नाल जुड़ के इस वाटर कलर की संस्था नाल जुड़ के मैं बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि इहदे विच असीं उस मीडियम नूं अगे ले जा रहे हैं जो साडा अपना है। मैं रेखा शर्मा फ्रॉम जलंधर, मेरी MA गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर तो है और वाटर कलर मेरा फेवरेट मीडियम है और वाटर कलर साढ़े कैंप लाने का मकसद यही कि सारे इकट्ठे होकर असं काम करिए, घर काम करन तो और इतने काम बह के काम करने बहुत फर्क है। इतने असं सारे नाल मिल के उन्होंने नवी नवी टैक्नीक्स वाटर कलर किदा करते हैं सारा कुछ सानू सीखने को मिलता है और वाटर कलर करना एक अलग ही मज़ा है।
मैं स्थानी कमला नेहरू कॉलेज और मैं इतने कैंप अटेंड कर रही हूँ वर्कशॉप्स असं ऑन दी स्पॉट वर्कशॉप बहुत बार ही जाते रहने हैं पर ग्रुप च काम करन दा वखरा ही मजा आता है। मेरा नाम है सोनाली मदान। मैं अपनी मास्टर्स की एम ए उत्तर हुशियारपुर गवर्नमेंट कॉलेज तो हूँ मैं कर रही हूँ बी एड तो मेरा वाटर कलर मीडियम मैं पसंद है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इस कैंप च हूँ सारे आर्टिस्ट नाल काम करन दा मौका मिल रहा है तो हूँ बड़ा वधिया लग रहा है मैं। थैंक यू। ये जो आर्टिस्ट आप देख रहे हैं इनका नाम है रेशम चंद जी और यह हुशियारपुर के बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं और पंडित तीर्थ नाम शर्मा जी जो कि एच ओ डी थे हुशियारपुर के पहले बैच के पीजी के उनके जो स्टूडेंट रहे हैं। मतलब फिर उत्थे गजल वगैरह पेश करनी होंगी उन्हें इसलिए आप उधर भी उस्तादा चाहते हैं तो वह भी यही मतलब देखते रहते हैं कि उस्ताद जी हूँ आए नहीं है उस्ताद जी हूँ आए नहीं। गजल पर तुसी लिखते भी हैं तो गाँव भी सर जी लिखते भी हैं गाँवते भी हैं सब कुछ करते हैं दसो क्या चाहते हैं की चाहना जी कलाकार तो बंदा की चाहता हूँ ठीक है जी बाकी तुसी जो रंग तुसी सानू दस दिते तो रंग जो है भी एक गजल वाला माहौल क्रिएट कर रहे हैं इस वेले बस ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कैंप तो अब समाप्त होने की तरफ जा रहा है। सारे आर्टिस्टों ने अपना अपना काम कर लिया है और अगली बार जब हम फिर मिलेंगे किसी और स्पॉट पे काम करेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर कलर जो सोसाइटी है इसके बाद एक और कैंप लगाई कि उसके बाद एक एग्जीबिशन लगानी है। सो सभी आर्टिस्टों की तरफ से थैंक यू वेरी मच।